वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी लाया हूँ जिसका नाम है पेप्रिका। फिल्म की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत मासूम लड़की दिखाई देती है जिसका नाम मीमा है। वो अपने बॉयफ्रेंड नीनो से मिलने जाती है, लेकिन वो उसे एक ब्रॉथल हाउस में ले जाता है जहाँ मीमा को अगले 15 दिन कॉल गर्ल के रूप में काम करना है, और वो इन 15 दिनों में वहाँ से जितना हो सके उतना पैसा कमाना चाहती है, क्योंकि उस पैसों से वो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ आने वाली जिंदगी खुशी से जीना चाहती है। और नीनो 15 दिनों के बाद उसके लिए वापस आने का वादा करता है। बाद में मीमा उस घर में पहली बार प्रवेश करती है, और जहां उसकी मुलाकात उस घर के मैनेजर मैडम कोलेट से होती है, और वो मीमा के ब्यूटी से बहुत अट्रैक्ट हो जाती है, और वो कुछ प्रिडिक्ट भी करती है कि तुम तो यहाँ मिरेकल करने वाली है। तब मीमा कहती है कि मुझे किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। तब मैडम कोलेट ने उसे कॉन्फिडेंस देती है कि इस घर में एक दिन का एक्सपीरियंस बाहर के 10 साल के बराबर है, और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और बाद में मैडम कोलेट मीमा को अपने नए कमरे में ले जाती है। फिर वो मीमा से कहती है कि तुम किसी क्लाइंट को भी मना नहीं कर सकते हैं, और तुम्हें हर दिन काम करना है, और तुम्हें हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलेगी। और बाद में मैडम कोलेट ने मीमा को वो रहने वाली दूसरी लड़कियों के साथ मिलवाती है, और वो उसे एक नया नाम भी देती है, वो है पेप्रिका, और वो उसकी वर्किंग नेम है। और बाद में वहाँ की लड़कियाँ पेप्रिका से मिलती है, और वो पेप्रिका को वहाँ से आने वाली सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। बाद वहाँ एक डॉक्टर आता है, और वहाँ के हिसाब से हर नई लड़की हेल्थ चेकअप करनी है। तब पेप्रिका ने डॉक्टर के पास जाती है, और उसे देखकर डॉक्टरों ने नोटिस करता है कि पेप्रिका ने इस तरह की काम पे नहीं है, और वो उससे पूछता है कि तुम इस काम पे क्यों आए हो, जिसके लिए पेप्रिका ने झूठ बोलती है कि उसे घर में कुछ प्रॉब्लम्स है, इसीलिए मुझे कोई रास्ता नहीं था। लेकिन डॉक्टर ने नोटिस किया कि वो जो कह रही है वो झूठ है। अंत में वो सच बोल देती है, अपने बॉयफ्रेंड की वजह से यहाँ आई हूँ, और वो 15 दिनों में यहाँ आ जाएगा। तब डॉक्टर उसे बताता है कि उसने धोखा दिया हो सकता है, और वो एक पिंप लगता है। लेकिन पेप्रिका डॉक्टर की उस बातों पर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि वो नीनो पर इतना भरोसा करती है, और वो निश्चित रूप से धोखा नहीं देता है। मेडिकल चेकअप के बाद पेप्रिका उस घर की मेंबर बन जाती है। फिर उसके पहले दिन फ्रैंको नाम का एक खूबसूरत लड़का उसे चूज करता है, इसलिए उसके पास क्लाइंट खोजने के लिए ज्यादा समय नहीं होती है। बाद में वो उसे अपने कमरे में ले जाती है जहां वो इंतमत होते हैं, और पेप्रिका अपने पहली एक्सपीरियंस से खुश हो जाती है, और वो मैडम कोलेट को बताती है। लेकिन मैडम कोलेट उसे याद दिलाती है कि सभी क्लाइंट फ्रैंको की तरह प्यारे नहीं होते हैं, और पहले ही दिन पेप्रिका कई ग्राहकों को अपनी ओर खींचती है जो उसकी ब्यूटी की ओर अट्रैक्ट होते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरता है पेप्रिका मैडम कोलेट की खरीब बन जाती है, क्योंकि वो एक दिन में 3 लड़कियों के बराबर कमाती है। मैडम कोलेट उनके करियर को देखने के लिए बहुत खुशी है, और फ्रैंको ने रेगुलरली पेप्रिका से मिलने आता है, और वो उसका परमानेंट क्लाइंट बन जाता है। वो उसे अपने निजी जीवन के बारे में भी बताता है। वो एक नाविक है और ट्रिएस्टे के एक नेवी स्कूल में पढ़ने का दावा करता है, और उनका कहना है कि हम दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री है। और एक दिन वो उसे एक डिनर पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन पेप्रिका उससे कहती है कि उसे नीनो से मिलने की जरूरत है, इसलिए वो नहीं आ सकती है। लेकिन अगले दिन नीनो पेप्रिका से मिलने से इनकार कर देता है, और बताता है कि उसे कुछ खास काम है। बाद पेप्रिका सोचती है और फ्रैंको के साथ डिनर पर जाने का फैसला करती है। बाद में एक होटल में डिनर करते समय पेप्रिका एक दूसरी लड़की के साथ नीनो को देखती है, और पेप्रिका उससे बात करती है और उससे कहती है कि वो नीनो की गर्लफ्रेंड है। लेकिन उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहती है कि वो और नीनो 3 साल से साथ में है, और दोनों एक दूसरे से प्यार में है। और उसके बाद नीनो वहाँ आता है, पेप्रिका को गाली देता है, और उस लड़की के पीछे चला जाता है। पेप्रिका को तब पता चलता है कि नीनो उससे प्यार नहीं कर रहा था, बल्कि पैसे कमाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। बाद में वो वापस फ्रैंको के पास आती है, और वो उसे कुछ कम्फर्ट देता है, और वो होटल से अपने अपार्टमेंट में ले जाते हैं, जहां वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं, लेकिन इस बार एक क्लाइंट के रूप में नहीं बल्कि प्रेमी के रूप में। अगले दिन फ्रैंको पेप्रिका के लिए अपने प्यार का इजहार करता है और उससे शादी करने के लिए कहता है, और वो जल्द ही कप्तान बनने जा रहा है, इसलिए वो आपको मेरे साथ आने के लिए कहता है। लेकिन पेप्रिका अब उसके पास नहीं जाती है, और वो उसे ये कहकर खारिज कर देती है कि वो प्यार में विश्वास नहीं करती है, और कहती है कि मेरा एकमात्र लक्ष्य अपने काम में जितना हो सके उतना पैसा कमाना है। और वो बाद में मैडम को सब कुछ बताती है, और मैडम कोलेट उसे चेतावनी देती है कि अब किसी भी आदमी के साथ प्यार में न पड़े। बाद में नीनो पेप्रिका से मिलने वहाँ पहुँचता है, और महीने के अंत तक वो पेप्रिका को अपनी कमाई का 60% कमीशन के रूप में देने की धमकी देता है, और उसका आपसे शादी करने का कोई इरादा नहीं है, और वो आपसे कुछ पैसे कमाना चाहता है।
पेपरिका फिर मैडम कोलेट को सब कुछ बताती है और मैडम कोलेट आपको नीनो से बचाने का वादा करती है। कुछ दिनों बाद उस घर का मालिक उस घर में आता है। वो तुरंत पेपरिका से अट्रैक्ट जाता है और उसे नीनो से बचाता है। कुछ दिनों बाद रोको नाम का एक आदमी उस घर आता है। वो पिंपरिका की दोस्त का दलाल है और उससे अपना कमीशन लेने आया है, लेकिन वो उसे कोई कमीशन नहीं देती है। तब रोको उसे थप्पड़ मार देता है और अपने दोस्त को इस तरह से देखने के बाद पेपरिका ये सोचकर बहुत डर जाती है कि उसके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। फिर वो अपने दोस्त से बात करती है और उसे उस घर और उस काम को छोड़ने के बारे में बताती है। फिर वो अपनी दोस्त पेपरिका को क्लबों में काम करने की सलाह देती है, क्योंकि वो अच्छा पैसा कमाएंगे। इसलिए पेपरिका ने अपना नया जीवन शुरू करने के लिए उस घर छोड़ने और उस शहर भी छोड़ने का फैसला करती है। और बाद में ये सब छोड़कर वो ट्रेन में जा रही होती है। तब उसी ट्रेन में वो रोको को देखती है। वो भी पेपरिका को देखता है और उसके करीब आता है। पेपरिका तब उसे बताती है कि वो अब वेश्यावृत्ति को छोड़ दी है, लेकिन रोको उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे जबरन ट्रेन के बाथरूम में ले जाता है। लेकिन वो उसका विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में मान जाती है और वो ट्रेन में इंटीमेट हो जाते हैं। फिर वो रोको के अपार्टमेंट में जाते हैं, जहां वो रात भर घपाघप करते हैं। अगले दिन पेपरिका क्लब में नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाती है। हालांकि रोको उसे अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन पेपरिका अकेली जाती है और वो सभी क्लब मालिकों को कॉल करके बताता है कि उसे कोई काम न दे और पेपरिका को भी कोई काम न करने के लिए कहता है। इस वजह से पेपरिका को किसी भी क्लब में नौकरी नहीं मिल पाई है। फिर रोको उसे एक अमीर आदमी के घर में काम करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, जो उसी काम में फिर से बहुत पैसा कमा सकता है। पहले तो वो हेजिटेट करती है, लेकिन अंत में बिना कोई रास्ता के वजह से वो रोको का बातों को मान लेती है। फिर रोको उसे इटली के सबसे बड़े पिंप मिल्वो से मिलने के लिए ले जाता है। वो पेपरिका की शारीरिक सुंदरता में बहक जाता है और पेपरिका को मैडम ओलंपिया के तहत काम करने के लिए कहता है। और चूंकि हर कोई पेपरिका को पसंद करता है, इसलिए उसे ग्राहक ढूंढने में देर नहीं लगती। लेकिन एक दिन वो घर में अपने एक करीबी रिश्तेदार को देखती है और वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पहचान लेता है और वो उसके करीब आता है और उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। हालांकि पेपरिका जानती है कि वो उसकी भतीजी है, वो उसके साथ अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है। बाद में वो उसे ब्लैकमेल भी करना शुरू कर देता है और उसे कोई पैसा नहीं देता है। जब रोको अपना कमीशन मांगने आता है, लेकिन पेपरिका ज्यादा पैसा नहीं कमा पाती है, जिससे रोको नाराज हो जाता है। पेपरिका फिर रोको से कहती है कि वो हर दिन यहाँ आता है और मेरे साथ ज्यादा समय बिताता है और कोई पैसा नहीं देता और दूसरों से कमाने के लिए भी नहीं देता, और मुझे बता रहे हैं कि मुझे डरा रहे हैं। इसलिए रोको अपने ससुर से उसे एक कैफे में लाने के लिए कहता है। वो फिर कैफे में आती है, जहां उसके ससुर भी होते हैं, और उसने पेपरिका से कुछ पैसा भी मांगता है। उसी समय रोको अपने लोगों के साथ कैफे में आता है और उसे पेपरिका के ससुर के पास छोड़ने की धमकी देता है और उसे फिर कभी नहीं चाहने की कोशिश करती है। फिर वो पेपरिका को बताता है कि वो प्रिंस ब्रांडो और उसकी पत्नी के साथ एक मीटिंग मिली है। बाद में पेपरिका और उसके साथ बेबी नाम की एक और लड़की दोनों उस घर में जाते हैं। वहाँ दोनों ने थोड़ी सी ड्रग्स लेते हैं, फिर कुछ शराब पीते हैं और प्रिंस ब्रांडो और उनकी पत्नी के साथ अपने फ्लर्ट करते हैं और मजा भी लेते हैं। बाद में जब वो वापस आते हैं तो बेबी को खांसी होने लगती है और कहा जाता है कि वाइन थोड़ा ज्यादा हो गया था। बाद में एक दिन पेपरिका को अपने पुराने प्रेमी फ्रेंको का एक लेटर मिलता है और उसे पता चलता है कि फ्रेंको अब भी उससे प्यार कर रहा है। वो फिर मैडम ओलंपिया से कहती है कि वो इस काम छोड़ने की बात। तब मैडम ओलंपिया बोलती है कि सरकार जल्द ही सभी वेश्यालयों को बंद कर देगी और ये व्यापार जल्द ही अवैध हो जाएगा। इसलिए वो पेपरिका से कहती है कि अब जितना हो सके उतना कमा लो। फिर उसी समय बेबी बहुत बीमार हो जाती है और बाद में मर जाती है। तब पेपरिका को डर होना शुरू होती है, क्योंकि उसका भी ऐसा ही हालात होने वाला है। इसलिए वो रोको से कहती है कि वो ये काम छोड़ना चाहती है, लेकिन रोको उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उसके जाने पर उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। ये सब सुनने के बाद मैडम ओलंपिया पेपरिका को रोको के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने को कहती है, लेकिन पेपरिका उसे जेल नहीं भेजना चाहती है, क्योंकि उसे अब भी उसका मैचो स्टाइल पसंद है। कुछ देर बाद पेपरिका ने आखिरकार काम करना छोड़ देती है और वो उस शहर को छोड़कर मासिल चली जाती है, जहां वो एक नया जीवन शुरू करती है। अब वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और अब वो अपनी जिंदगी खुद जी रही है और एक बार में बार गर्ल के रूप में काम करना शुरू करती है। काफी देर बाद बार में डांस करते हुए वो फ्रेंको को देखती है। बाद दोनों मिलते हैं, तब फ्रेंको पेपरिका को बताता है कि उसने एक बड़ी नाव खरीदी है और दुनिया भर की यात्रा करना चाहता है और इसके लिए वो पेपरिका से कुछ पैसा मांगता है। फिर पेपरिका ने उसे कुछ पैसे देती भी है
और सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा होता है। लेकिन एक दिन पुलिस ने किसी और चीज के लिए फ्रैंको की नाव को जब्त कर लेते हैं और नाव को गिरवी रख देते हैं और फ्रैंको गिरफ्तार होने से बचने के लिए वहां से भाग जाता है। लेकिन फिर से पेप्रिका का जीवन बिखर जाता है। वो फिर मसले से मिलान वापस जाती है और वही काम पे फिर से शामिल हो जाती है और उसे नए ग्राहक खोजने में देर नहीं लगती है। एक दिन काउंट बास्टियानो रोसेस्को नाम का एक धनी व्यापारी अपने बेटे को एक आदमी में बदलने के लिए एक आदमी के घर आता है और वो ऐसा करने के लिए पेपरिका को चुनते हैं। अगले दिन काउंट ने उसे अपने घर पर एक पार्टी में आमंत्रित करता है। फिर वो अपने एक पुराने ग्राहक से मिलती है। ये देख काउंट उनके पीछे चला जाता है। फिर वो उसे उस आदमी को छोड़ने के लिए कहता है। फिर दोनों इंतमत हो जाते हैं और पेपरिका उससे बहुत खुश होती है। फिर दोनों ने शादी करने का फैसला करते हैं और काउंट ने उनका परिचय अपने परिवार से कराता है। लेकिन उनका दत्तक परिवार उन्हें पसंद नहीं करता था। दुर्भाग्य से उनकी शादी के कुछ समय बाद ही वृद्धावस्था के कारण काउंट की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनकी मृत्यु से पहले काउंट ने उनकी संपत्ति पेपरिका को जोड़ा। कुछ दिनों बाद पेपरिका को फ्रैंको की ओर से एक पत्र प्राप्त होता है। उस पत्र में उसने उसे उसकी शादी की बधाई दी है। कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि सभी शिष्टाचार गृह स्थायी रूप से बंद हो जाएंगे। तो आखिरी बार पेपरिका एक विशेषज्ञ के रूप में काम करने और अपने ग्राहकों को हमेशा के लिए खुश करने के लिए मैडम कोलेट के पास आती है और फिर वहाँ एक पार्टी करते हैं। कुछ दिनों बाद पेपरिका अमीर है और वो अंततः फ्रैंको से शादी करती है और उसे एक नाव देती है। उसे आखिरकार वो मिल ही गया जो वो अपने जीवन में चाहती थी। उसे एक प्यार करने वाला पति, बहुत सारा पैसा और उसके जीवन में स्वतंत्रता मिली है। लेकिन उसे यह सब करने के लिए काफी समय चाहिए था और वो जानती है कि यह सिर्फ 15 दिनों में नहीं होगा। ये है पेपरिका की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो एक बार फिल्म देख सकते हैं, लेकिन यह केवल 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए है। तो ये थी पेपरिका मूवी की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो पूरी फिल्म देखें, और अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद है। मिलते हैं अगले वीडियो में।